बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। करीब 25 किलोमीटर तक बदमाशों ने गाड़ी का पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने 3 बार राउंड फायरिंग भी की, जिसमें से एक गोली विजिलेंस टीम की गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे एक हेल्पर के कंधे में जा लगी। मामला सीकर जिले के अजीतगढ़ क्षेत्र का है। विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता मुकेश टेलर ने बताया कि टीम बुर्जा की ढाणी खिरोटी की तरफ गई हुई थी। इसी दौरान बदमाशों ने राजकारी में बाधा डाली, जिन्होंने करीब 20 से 25 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग भी की। ऐसे में एक गोली गाड़ी में पीछे बैठे तकनीकी हेल्पर गजेंद्र मीणा के कंधे पर जा लगी, जिन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि जब टीम थाने से करीब 100 मीटर नजदीक पहुंची तो बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल बिजली विभाग की टीम ने अजीतगढ़ थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात को करीब 2:30 बजे की घटना है। 2:50 पर हमारे पास बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के IN साहब मुकेश जी टेलर आए थे। मजरूब भी साथ आया था, जिसके दाएं कंधे में बाजू पर एक गोली लगी हुई थी। इन्होंने रिपोर्ट दी, इनकी FIR दर्ज करने के बाद में मेडिकल मुआयना करवाया गया। मजरूब गजेंद्र मीणा है, जो विजिलेंस में ही तकनीकी सहायक है। इसके बाजू पे गोली लगी है, उसको अजीतगढ़ अस्पताल से जयपुर रेफर करवाया था। उसके बाद से वहाँ उसका इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ हालत में है। फायरिंग करने वालों को हमने नामजद कर लिया है, घटना को भी ट्रेस कर लिया है। शाम तक संभवतः अरेस्टिंग कर ली जाएगी। टीमें लगी हुई हैं, अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। सदर नीमका थाना थोई अजीतगढ़ की टीमें लगी हुई हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी कर रहे हैं।